अरे कोई वादा खिलाफी की हद है, हिसाब अपने दिल में लगाकर तो देखो, कयामत का दिन आ गया, रफ्ता रफ्ता मुलाकात का दिन बदलते बदलते हम एकदम बहुत बड़ा शून्य हैं आपके बिना। आप होते हैं तो सब अच्छा लगता है, सब ठीक लगता है दुनिया में। एक हाथ में हैंडल, दूसरे में मोबाइल, दिल रहा दिल वाली माँ, साइकिल घुस गए नाली माँ। कश्तियाँ हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, अब यहाँ से नहीं हम लौट के जाने वाले। अगर आपकी कविता, आपकी शायरी आपके दौर की बात नहीं करती और उसी भाषा में बात नहीं करती जिस भाषा में ये दौर बात करता है, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं, सारी कविता सारा साहित्य बेकार है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यण चग्रह में ते, आशिकी जुर्म वफा जुर्म मोहब्बत है गुनाह, ये वो दुनिया है जहां प्यार नहीं हो सकता, कैसे बाजार का दस्तूर तुझे समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। वो जिसे लिख के शर्म आ जाए ऐसा नगमा कोई लिख जाऊं क्या, शोहरतें भी हैं जरूरी लेकिन शोहरतों के लिए बिक जाऊं क्या। आप दुनिया के किसी भी मजहब के हों, आप कोई भी रिलीजन मानते हो, कोई भी कल्ट मानते हो, कोई भी संप्रदाय मानते हो, अगर आपको लिखना है तो आपको ब्राह्मण होना पड़ता है। और क्यों होना पड़ता है मैं समझाता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये अकेली कौम है जिसको स्वाभिमान के साथ भिक्षा मांगने का अधिकार है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक्षा है, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। आज हम लेकर आए हैं किताब वाला का ये एक और एपिसोड, और कुछ अलग फॉर्म में आपको दिख रहा है। पहले आपको ये स्टूडियो में दिखता रहा, फिर आपको ये वीडियो कॉल में दिखता रहा, और अब आज बड़े दिनों के बाद फाइनली, और मैं इसलिए एक्स्ट्रा खुश हूँ क्योंकि आज हम ये आउटडोर कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि आज हमारे साथ हैं मनोज मुंतशिर। इनकी पोएट्री की बुक है बहुत खूबसूरत, मेरी फितरत है मस्ताना, ये कॉपी मेरी वाली थोड़ी सी बेढंगी सी दिख रही है क्योंकि मैंने इसमें लिखा पढ़ी की हुई है किताब पढ़ते हुए, और मैं बड़ा डर रहा हूँ उस लिखा पढ़ी से। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अच्छी बातें लिखी हैं इसमें सब तो मनोज को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। पहले भी हमारे साथ, आप जो हमारे साथी अड्डे पे आए हैं ललन टॉप अड्डे पे, वो मनोज जी से मिल चुके हैं, मनोज जी से अपने हिस्से के सवाल पूछ चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी पा चुके हैं। किताब वाला हमारा वो शो है जिसमें हम किसी एक ऑथर से, किसी एक किताब के, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, पोएट्री हो, तसल्ली से बात करते हैं बैठकर, और बातचीत शुरू की जाए, तसल्ली से करनी है तो वक्त भी लगेगा, इसलिए शुरू करते हैं। मनोज, वेलकम टू ललन टॉप इन एसोसिएशन विद वाणी प्रकाशन इन दिस एपिसोड ऑफ किताब वाला। थैंक यू वेरी मच प्रतीक्षा। मैं पिछले काफ़ी दिनों से, जब से ये कोविड की सिचुएशन थी पूरे देश में, और जब मुझे लगा कि हाँ सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो रही है, तो मैंने अदिति को फॉलो करना शुरू किया, हर दिन एक मैसेज, अदिति बहुत दिन हो गए, हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी, दोस्तों से नहीं मिले, प्लीज़ हमें बुलाओ, कोई इवेंट करो, हम कहीं तो रूबरू हों, मुखातिब हों अपने दोस्तों से। और अदिति मुझे हर बार कहती रही, देखिए थोड़ा सा अभी और कोविड नॉर्म्स थोड़ा सा और ईजअप होने दीजिए, बात चलती रही। और मुझे ये भी याद है कि मैं तो आखिर में इनको सरकास्टिक मैसेजेस भेजने लगा था, अरे आपको इनको याद नहीं तो मैं याद दिला देता हूँ, मैंने इनको एक शेर भेजा, ये मुस्करा के मेरी तरफ, इन्होंने एक स्माइली भेज दी। मैंने इनको भेजा, अरे कोई वादा खिलाफी की हद है, अरे कोई वादा खिलाफी की हद है, हिसाब अपने दिल में लगा कर तो देखो, कयामत का दिन आ गया, रफ्ता रफ्ता मुलाकात का दिन बदलते बदलते। बट आई एम ग्लैड आज वो दिन आया है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ क्योंकि जितनी भी मेरी हस्ती है, मेरा वजूद है, या मेरे जैसे कोई भी जो भी लिखता है, पढ़ता है, जो भी अदब में है, जो भी साहित्य में है, हम एकदम बहुत बड़ा शून्य हैं आपके बिना। आप होते हैं तो सब अच्छा लगता है, सब ठीक लगता है दुनिया में। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। तो अपने पहले सवाल की ओर मैं कूद जाती हूँ। हम सब ने जिन्होंने आपको फॉलो किया है, आपकी मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर बनने की कहानी बड़ी पॉपुलर है, कई इंटरव्यूज़ में हमने सुनी, लोग उसे सुनना भी बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो हम स्पेशली युवा वर्ग को एक होप देती है कि हम वो हैं जो जहाँ पे ठोकर मारे वहाँ से पानी की धारा बहा सकते हैं। बिल्कुल, ये होप आपकी कहानी से, जो आपकी रियल लाइफ स्टोरी है, उससे हमें और मिलता है, वो स्टोरी हमने सुनी हुई है। लेकिन मेरा सवाल इसमें थोड़ा और अंदर घुस के है, वो ये कि मैं, मेरे पिताजी का जो गांव है फैजाबाद लगता है, अरे तो अवध की जी, अब तो हर जगह के ही हो गए हैं,
हाँ हाँ क्या बात है, हर जगह के ही हो गए हैं अब तो, कहाँ कौन कहाँ का रहा, मेट्रो सिटीज में रहते रहते। खैर, तो मुझे वहाँ लाइफस्टाइल का थोड़ा सा आइडिया है। मैंने देखा है कि मेरी उम्र के या मुझसे थोड़े छोटे लड़के, व्हेन दे स्टार्ट ड्रीमिंग, लड़कियों की तो खैर अनफॉर्चुनेटली शादी के बारे में सोचते हैं, लड़के जब ड्रीम करना चालू करते हैं, अब शायद बहुत कुछ बदल भी गया है, एवरीथिंग इज नॉट नेगेटिव, लड़के जब ड्रीम करते हैं तो क्या कि कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें बाइक चलाने को मिले, खूब बाइक चलाएंगे पूरे गाँव में, या फिर एक बढ़िया सी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर लेते हैं और एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलेंगे, बिग ड्रीम्स। ऐसे में एक लड़का मनोज 90s में सोच रहा है कि मुझे लिरिसिस्ट बनना है। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है वो ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों को शायरी का शान नहीं पता होता, ना ही गज़ल सुनने का शऊर होता है। कैसे देखा आपने वो सपना? और एक चीज़ और, सॉरी टू आपको बोलने नहीं दे रही हूँ मैं, वो एक मेंटल स्ट्रगल भी रहा होगा कि ये अपनी बात समझा पाना कि मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक बार आपने खुद को कन्विंस कर लिया ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, दुनिया को कन्विंस करना बहुत आसान है। ये बड़ा ओवररेटेड वाला थॉट है कि यार पापा नहीं मान रहे हैं, यार मम्मी नहीं मान रही हैं। सच ये है कि आप खुद नहीं मान रहे हैं, आपके अंदर से वो आवाज़ नहीं आई है, वो कॉन्फिडेंस वाली जो आवाज़ होती है ना कि नहीं यही करना है हमें, वो आवाज़ आई नहीं है। तो आप भी थोड़ा सा एक शॉर्टकट ढूंढते हैं, जैसा कि आपने बोला मोबाइल रिपेयर शॉप, और आप अवध की हैं तो मुझे ये मोबाइल और अवध का कनेक्शन आते ही रफ़ीक शादानी याद आते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ कहते थे वो कि एक हाथ माँ हैंडल, दूसरे माँ मोबाइल, सुना है ना? एक हाथ में हैंडल, दूसरे माँ मोबाइल, दिल रहा दिल वाली माँ, साइकिल घुस गए नाली माँ। एक टंगरिया झूल गई, नक्शेबाजी भूल गई। तो अच्छा, एक चीज़ है कि वो जो इलाका है जहाँ की मैं पैदाइश हूँ, सुल्तानपुर, वो अदबी तौर पर रिच बहुत है, ऐसा नहीं है। सुल्तानपुर, अमेठी, लखनऊ, वो पूरा जो अवध का इलाका है, वहाँ हम बहुत कल्चरली रिच हैं। ये और बात है कि 90s में ये तसव्वुर बहुत मुश्किल था, ये सोचना कि हम सब कुछ छोड़ के और फिल्मों में जाएंगे जहाँ आपको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, कैसे करोगे, क्या करोगे। लेकिन जब एक बार तय कर ही लिया तो फिर पीछे मुड़ के क्या देखना। और शायर होना, इसके बारे में सबसे अच्छी जो तस्दीक है वो अरुण जी कर सकते हैं। इन्होंने पता नहीं पूरी ज़िंदगी गुजारी है बड़े शायरों, बड़े लोगों के बीच में। ये चॉइस है नहीं, बाकी चॉइस है आपके पास कि आपको जर्नलिज्म करना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको MBA, ये सब चॉइस है। पोइट्री चॉइस है ही नहीं है, इट हैपेंस टू यू। एमिली डिकिंसन कहती थी पोइट्री इज अ डिक्टेशन फ्रॉम गॉड। तो जब वो गॉड डिक्टेशन देता है तो आपकी क्या मजाल की आप डिक्टेशन नहीं लेंगे। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं ये बात जानता था कि अगर मैं पोएट नहीं बना तो मैं कुछ नहीं बनूंगा। तो ख़त्म होने से अच्छा है, शून्य होने से अच्छा है, बर्बाद पामाल होने से अच्छा है कि यहाँ ट्राई करके देखो, यहाँ संभावनाएं हैं, बाकी तो कहीं मेरा कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बाकी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, कोई कॉलिंग नहीं सुनाई पड़ती। तो ये बात जो मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर की, अब आप सोचें कि मेरे पिताजी किसान थे, किसान हैं और अभी भी खेती बाड़ी करते हैं, वो ऐसा नहीं कि उनकी दुनिया अचानक बदल गई। लेकिन ये कमाल है कि उन्होंने मेरी इस बात को सुना, एक ही गुजारिश की कि तुम ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद जो मन में आए करो। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया मुझे ये कहते घूमे कि यार पंडित जी का एक ही बेटा, मैं इकलौता बेटा, बेटा या बेटी कोई भाई बहन नहीं है मुझे, तो पंडित जी का इकलौता बेटा ऐसा बर्बाद निकला कि BA तक नहीं कर पाया। तो उनका इतना सा सपना था, मैंने वो सपना उनके लिए पूरा किया है। BSc की मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उनको ला के सर्टिफिकेट दिया, मैंने कहा आपका काम हो गया, अब मुझे चाहिए 350 रुपये, 350 रुपये जो मेरा ट्रेन का टिकट है पुष्पक एक्सप्रेस का, तब इतना ही था, अब तो पता नहीं कितना है, जो चारबाग से चलती थी और दादर तक पहुंचती थी। तो मेरे पिताजी का दिल देखो, 350 नहीं 700 रुपये दिए। मैंने कहा 700 क्यों? बोले 350 वापस आने का। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने उनको उस वक्त कहा था कि कश्तियाँ हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, अब यहाँ से नहीं हम लौट के जाने वाले। और
और जो अभी मैं आपसे बात कह रही थी शायरी और शऊर वाली, ऑफ कोर्स हम कल्चरली बहुत रिच है, मगर हमें एक बैरियर चाहिए होता है. और मुझे लगता है कि जब हम स्मॉल टाउन्स से इस तरह से निकलते हैं तभी वो बैरियर्स ख़त्म होते हैं एक एलीट लिटरेचर और एक कॉमन मैन के बीच के जो बैरियर्स होते हैं. खैर, मूविंग ऑन, बैरियर्स की बात है, एलिटिज्म की बात है, भाषा की बात मैं ज़रूर करूँगी. बहुत इंटरेस्टिंग भाषा मनोज जी आपकी है. एक कविता इसमें है, मैं सुनाऊँ? प्लीज सुनाएं. आपकी तरह नहीं सुना पाऊंगी मगर मैं कोशिश कर सकती हूँ. अपनी तरह सुनाएं, वो भी बहुत खूबसूरत है. शुक्रिया. दोनों बहुत देर तक ऑनलाइन थे. दोनों की वजह एक थी, इंतजार था कि सामने से पहल हो. घंटों गुजर गए, न यहां से शुरुआत हुई न वहां से. दोनों चुपचाप एक दूसरे का चैट स्टेटस देखते रहे, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन. यूं ही एक दूसरे को ऑनलाइन देखते हुए कई शामें बीत गईं. फिर वही हुआ जिसका डर था, प्यार हार गया, जिदे जीत गई. एक खूबसूरत रिश्ते का टूटना टल जाता अगर ऑनलाइन टाइपिंग में बदल जाता. सोशल मीडिया जो हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसको आप कितनी सहजता से इस तरह कविता में ले आए? क्योंकि कविता को इवॉल्व होना होगा. मेरी जो स्कूलिंग है पोइट्री की, वो बड़ी हार्डकोर वाली स्कूलिंग है इनफैक्ट. तो मैं फ़ाइलातुन, बहर, अरकान, रदीफ़, काफिया, मुझे याद है उस ज़माने में ये तो चैलेंज हुआ करता था. और फिर मैं अरुण जी की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि शायरों को छापते रहते हैं बड़े बड़े ये. जब आपको ये कहा जाता है कि देखो भैया, मीर के ज़माने में तो तकरीबन 76 बहरें हुआ करती थी, तो वक्त के साथ वो कम होता गया, 76 से 50 हुई, 40 हुई, इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से 7-8 बची हैं. हाँ, तो मतलब हैं तो और भी, पर 7-8 से ज़्यादा कोई शायरी होती नहीं है. तो हम उनमें से थे कि हम सोचते थे कि अच्छा, अगर मीर के ज़माने में 76 बहरें हुआ करती थी तो हम भी लिख के देखेंगे. तो ये वाला मेरी स्कूलिंग थी. बट विद द टाइम आई रियलाइज्ड कि हम जिस दौर में खड़े हैं, अगर आपकी कविता, आपकी शायरी आपके दौर की बात नहीं करती और उसी भाषा में बात नहीं करती जिस भाषा में ये दौर बात करता है, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं. सारी कविता, सारा साहित्य बेकार है. तो मैंने अपने आप को वहीं से बदलना शुरू किया. और ये जो आपने कविता अभी पढ़ी है, ये तो मेरे ख्याल से दुनिया के जितने भी रिश्ते टूटते हैं, उन रिश्तों के टूटने की वजह ही ईगो होता है. जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर दिया, लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूँ. जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर दिया, लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूँ. जुबान कहती है सारा कसूर उसका है, जमीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूँ. आपने अभी जो बड़े बड़े शब्द बोले, बहर, मैं सच कहूँ, बहुत ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आते. और कविता समझ में आई आपको ना? कविता बिल्कुल. बस काम हो गया मेरा. नहीं, मेरा एक सवाल है यहाँ. मेरा एक सवाल है, मैं आपकी एक बड़ी अद्भुत बातचीत कुमार विश्वास जी के साथ में जी. मैं देख रही थी पुरानी, और उसमें बहुत ही सुंदर बातचीत, इसी तरह भाषा और किस तरह उसे इवॉल्व होना चाहिए, उसमें भी आपने एक जगह जिक्र किया कि दिले नादा की जगह एक आधा ला की जगह और थी. मेरा दिमाग घूम गया, मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या सिंटैक्स है, ये क्या ग्रामर है. आप मुझे कुछ ब्रीफली समझा सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको. बहरें होती हैं, बहर जैसे म्यूजिक में राग होते हैं या सुर होते हैं, वैसे शायरी में बहर होती है. तो कई बार ऐसा होता है, बहुत बहुत कम ऐसा होता है, पर कभी कभी कहने के लिए जो बात है वो इतनी बड़ी होती है कि हम सोचते हैं कि ठीक है, अगर ज़रा सा बहर आगे पीछे हो भी रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन बात सही निकल जाए. और ये बड़े बड़ों ने किया है, ये कोई एक इंसान की बात मैं नहीं कर रहा. अब एक दो आपको और बड़े मुश्किल वर्ड बताता हूँ, आप फांसी है उस पर. शुतुरगुरबा एक चीज़ होती है, आपने सुना है नाम? शुतुरमुर्ग नहीं, शुतुरगुरबा. शुतुरगुरबा ये होता है कि आपने शायरी करनी शुरू की, आपने कोई गज़ल या नज़्म लिखनी शुरू की, आपने शुरू की आप से, फिर आप तुम पे आ गए, आगे आप तू पे चले गए, ऐसा नहीं होता है. आपने जहाँ से बात शुरू की वैसे ही बात ख़त्म होनी चाहिए. लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है और लगता है कि नहीं यार, इस टेक्निकल, ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं, इनकी बारीकियों में फंस के बात ख़राब हो रही है, तो गुलजार जैसा बड़ा आदमी भी लिखता है कि कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों,
पास, ये सुना आपने, हम अपना, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना, तो हमसे मेरा पे आ गए वो, इसलिए आ गए क्योंकि बात बड़ी थी। तो मैंने उस इंटरव्यू में यही बात कहने की कोशिश की थी और भयंकर मुझे लोगों ने ट्रोल किया है कि भाई आप तो, हाँ तो आप तो गालिब में कमी निकाल रहे हैं। मैंने कहा गालिब में कमी नहीं निकाल रहा हूँ, ये मैं तारीफ कर रहा हूँ कि इतना बड़ा आदमी अब गालिब है, वो मतलब उनके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनको भी जब ये मौका मिला, जब उनके सामने चॉइस आई कि जो बात कहनी है वो बड़ी है या टेक्निकलिटीज़ बड़ी हैं, उन्होंने बात चुनी बड़ी, टेक्निकलिटीज़ को जाने दिया। और दिल्ली में बैठा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि गालिब घबराते नहीं थे, और बड़ा शहर वो नहीं होता है जो कि आपको लगता है सुबह उठा पहुँचा स्टूडियो में उसने लिख डाली चार चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, ऐसा नहीं है। डर सबको लगता है, वो ऐड बहुत अच्छा है और बहुत सही है, हर कोई घबराता है। मिर्ज़ा गालिब कन्फ्यूज़ करते हैं, तब बेदिल का ज़माना था भाई, हमारे हीरो मिर्ज़ा गालिब है, मिर्ज़ा गालिब के हीरो कौन हुआ करते थे? बेदिल, बहुत बड़े शायर थे। मिर्ज़ा गालिब ने दीवाने गालिब के एक शेर में एक मिसरा लिखा है, तर्ज बेदिल में रेखता लिखना, मतलब बेदिल की तरह गज़ल कहना, तर्ज बेदिल में रेखता लिखना असदुल्लाह खां कयामत है। तो असदुल्लाह खां गालिब का पूरा नाम है। तो ये घबराहट हर किसी को होती है, और मैं समझता हूँ यहाँ बहुत सारे ऐसे राइटर्स बैठे होंगे जो एस्पायर करते हैं राइटर बनना आगे लाइफ में, अगर आप डरते हैं कलम हाथ में लेके, तो आप ये समझ लीजिए आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, क्योंकि डरना ही चाहिए आपको। आएंगे आप तक सवाल, बाद में आएंगे वो, आएंगे सवालों पर। वापस किताब पर आते हैं, क्योंकि ये किताब वाला है और हम किताब पर ही बात करेंगे। इसमें जो किताब में इश्क के बड़े सारे फेजेस हैं, ये मैंने नोटिस किया कि यंग इश्क भी है और थोड़ा मैच्योर इश्क भी है, गुस्से में भी है और सरेंडर्ड भी है कई जगह। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आप अपना पहले प्यार का किस्सा सुनाते हैं, वहाँ से लेके आज तक इश्क कैसे बदलता है, इश्क अपने फॉर्म्स कैसे चेंज करता है, और उसके साथ आपकी कविता कैसे बदलती है? इश्क सिर्फ ऊपरी तौर पे बदलता है, ऊपर से आपको लगता है कि अब आप मैच्योर हो गए, आप जो कॉलेज में जिस तरह का रोमांस किया करते थे, अब आप थोड़ा बड़े हो गए हैं, सूट बूट पहनने लगे हैं, अब आप वैसा नहीं करेंगे, अब आप थोड़ा सा आपका दायरा और सलीका कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन जब तक आप दायरे और सलीके में, तब तक आपको इश्क हुआ ही नहीं है। जिस दिन दायरे टूट जाएं, जिस दिन सलीका ख़त्म हो जाए और आप पगला जाएं, तब समझिए आपको इश्क हुआ है। और गुस्सा, जो शायरी में गुस्सा है, तो मैं समझता हूँ गुस्सा बहुत बड़ी ताकत है, वो चाहे आप इश्क में गुस्सा करें या दुनिया के किसी भी मुद्दे पे आपको गुस्सा आए। दिनकर जी लिख के गए थे कि कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, आर्य का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, हम लिए बिना प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे गुस्सा आता था, मुझे गुस्सा आता है, और इस बात पे गुस्सा तब ज़रूर आता था जब मुझे कोई कहता था कि यार तुमसे अगर इश्क कर लिया, जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा। मैं पहली बहुत इज्जत के साथ लगा रहा हूँ, क्योंकि पहली के बाद और भी कहानियाँ हैं। तो मैं वो हमेशा ये बात कहता भी रहा हूँ कि सिमट सका ना कभी ज़िंदगी का फैलाओ, कहीं भी ख़त्म गमे आशिकी नहीं होता, निकल ही आती है कोई ना कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। तो मुझे कहा गया कि तुम मेरे पापा को पसंद नहीं हो, और पापा को क्यों पसंद नहीं हो? क्योंकि तुम लाइफ में कुछ करोगे नहीं। मैंने कहा पापा तुम्हारी ये वाली बात एकदम गलत रीड कर रहे हैं। मैंने कहा मैं करूँगा तो बहुत कुछ लाइफ में, आज दिखता नहीं है, क्योंकि आज मैं मेडिकल नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं CPMT नहीं दे रहा हूँ, मैं IIT नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता था, क्योंकि मुझे क्लैरिटी बहुत डे वन से थी। तो मैंने अपने पापा का 200 रुपया किसी फॉर्म भरवाने पे वेस्ट नहीं किया है, एक फॉर्म नहीं भरा मैंने आज तक, बिकॉज आई न्यू कि मुझे पकड़नी है पुष्पक, मुझे आना है मुंबई और मुझे लिखने हैं गाने, फॉर्म के पैसे, टिकट के पैसे। हाँ एग्जैक्टली। तो ये चीज़ रही है। कुल मिला के अगर इस पूरे सवाल को मैं एक दो शब्दों में ख़त्म करना चाहूँ, तो बात वो वही है कि मैं खंडहर हो गया पर तुम न मेरी याद से निकले, मैं खंडहर हो गया पर तुम न मेरी याद से निकले, तुम्हारे नाम के पत्थर मेरी बुनियाद से निकले। एक प्राइड जो हमने अभी बात की कि गुस्सा है, और गुस्से के साथ साथ एक प्राइड भी है, बहुत मुझे आपके लिखे में एक अभिमान और
रोते हुए भी कभी गिड़गिड़ाया नहीं वाला एक भाव आता है। तो मैं एकाद कुछ पंक्तियां हैं, जैसे आपकी ये कविता है, मैं बाज हूं पर्वत घर मेरा, सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूं पर्वत घर मेरा। रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूं, एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजू हैं लश्कर मेरा। मैं ओस चाट के भी खुश हूं, यूं दरिया दिल है प्यास मेरी, वरना जिद पे आ जाऊं तो नदियां मेरी सागर मेरा। इस धरती का विश्वास हूं मैं, करबला और कैलाश हूं मैं, कतरा कतरा मैं हुसैनी हूं, कंकर कंकर शंकर मेरा। और एक आखिरी स्टैंजा, मैंने सोचा तो दो पंक्तियां पढ़ूंगी, मैं मोह में आ गई, पूरा पढ़ गई। मेरी टूटी शमशीरों पे तुम्हें आज हंसी आ जाती है, कल आंखें धुआं हो जाएंगी जब देखोगे जौहर मेरा। मैं ये जानना चाहती हूं कि ये प्राइड, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आती है? स्मॉल टाउन से आती है, एक तरफा प्यार से आती है? मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रही हूँ। आपने आपने गैरत की बात की, आपने खुददारी की बात की, मुझे अहमद फराज का एक शेर याद आता है कि शिद्दते मैकशी में भी गैरते मैकशी रही, मतलब जब प्यास हद से ज़्यादा बढ़ गई तब भी हमने अपनी गैरत नहीं खोई। शिद्दते मैकशी में भी गैरते मैकशी रही, उसने जो फेर ली नज़र हमने भी जाम रख दिया। मैंने वो वाला इश्क नहीं किया जब मैं घुटनों पे गिर के और किसी से गिड़गिड़ाऊं। ये मोहब्बत है, ये एक तरफा भी हो सकती है, और एक तरफा मोहब्बत मेरी अकेले की चीज़ है, उसमें मुझे किसी की कोई कंसेंट नहीं चाहिए। जब तक मैं आपकी ज़िंदगी में कोई खलल नहीं डाल रहा, आप कोई नहीं है मुझे ये बताने वाली कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। तो मैं एक तरफा मोहब्बत का आलमबरदार हूँ, और मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ में कि जब तक मेरे सीने में एक दिल है और वो दिल धड़कता है, वो दिल किसके लिए धड़कता है ये मेरा प्राइवेट मैटर है, इसमें किसी का कोई दखल मैं बर्दाश्त नहीं करता। मुझे याद है आप लल्लन टॉप में ही अड्डा में आए हुए थे और कबीर सिंह पर आपसे सवाल पूछा गया था जी, तब भी आपका स्टैंड बहुत क्लियर था। मैंने बहुत भुगता उस स्टैंड को वैसे आगे। मेरी हमारे लिए ये अच्छी बात है, हमें सुनकर अच्छा लगता है। अच्छा लगना ही चाहिए, देखिए ये हमारे कल्चर का सवाल है। हम जिस देश में हैं, इस देश की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तमाम मुश्किलें हैं, तमाम ख़राब बातें हैं, पर इसके बावजूद ये सच है कि इतना प्यारा देश, इतनी खूबसूरत सभ्यता, इतना बढ़िया कल्चर शायद दुनिया के किसी और कोने में नहीं है। तो तमाम बातें हम मान लेते हैं, हमें कमियाँ हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे हैं और बहुतों से अच्छे हैं। कबीर सिंह का सवाल मुझसे जब किया गया था पिछली बार मिसोजिनिस्टिक अप्रोच के बारे में फिल्म के, तो जाहिर सी बात है कि मेरी पिक्चर थी, मैं कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड था कि मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलूं और मैं उसको डिफेंड कर ले जाऊं, लेकिन मुझसे होता नहीं है क्योंकि मैं एक बात समझता हूं, मैं बहुत स्ट्रांग वेमेन के बीच में रहा हूं। मेरी माँ ने मेरी जो परवरिश की है वो 500 रुपये की सैलरी पर जिस तरह मुझे पाला है, तो मेरी नज़र से कभी वो मोमेंट हटता ही नहीं है कि राजा बना के रखा था 500 रुपये की सैलरी पर, 300 रुपये मेरी स्कूल फीस हुआ करती थी, 200 रुपये में पूरा घर चलता था। तो आज मैं पूरी नारी जाति का सम्मान अपनी माँ के हवाले से करता हूँ। तो जब भी कोई चीज़ और ये आप हमारा कल्चर देखें, हम कौन हैं, यहाँ औरत मर्द की कमीज के टूटे हुए बटन से लेके उसके टूटे हुए आत्मविश्वास तक सब कुछ जोड़ती है, हम एक ऐसे देश में हैं। यहाँ आप ऐसी फिल्में नहीं बना सकते, यहाँ आप ऐसा साहित्य नहीं लिख सकते जिसमें हम औरत को दोयम दर्जे पे देखें या हमें लगे कि शी इज़ अ प्रॉपर्टी, शी इज़ अ फर्नीचर। नहीं भाई, ऐसी फिल्मों का और ऐसे लिटरेचर का मैं कतई पक्षधर नहीं हूँ, और मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूँ कि औरत जो है मर्द के बराबर होती है, हो ही नहीं सकती। औरत हमेशा मर्द से ऊँची थी और ऊँची रहेगी, बराबर नहीं हो सकती। और ये तालियाँ बता रही हैं कि ये सब मुझसे एग्री करते हैं इस बात। औरत की आपने बात की है, मैं चाहती हूँ आप वो एक कविता पढ़ दें जिसका शीर्षक ही औरत है। कौन हो तुम, इस कदर नाजुक हो कि हाथ लगाने से बिखर जाती हो, और इस कदर मजबूत हो कि पर्वतों को चीर के नदियों की तरह गुजर जाती हो।
तुम्हारी आवाज़ इतनी मध्यम है कि तहजीब को भी तहजीब सिखा दे, और वही आवाज़ जब हक के लिए गूंज उठे तो बड़ी बड़ी जुल्म की चट्टाने तिनके की तरह उड़ा दे। ऐसी ठोकर नहीं बनी जो तुम्हें गिरा सके, फिर भी रोज हाथों से गिरती हो दुआओं की तरह, धूप जैसे तपते हुए हौसले हैं तुम्हारे और खुद नजर आती हो छाँव की तरह। हैरान हूं मैं कैसे कुदरत ने तुम्हें इतने सारे जादू दे दिए, एक ही इंसान को मरियम का दिल और लक्ष्मी बाई के बाजू दे दिए। यही कविता है जी, इसी की बात कर रही थी मैं। और चूंकि अब बात औरतों की हो गई है तो, और ये सवाल अगर मैं नहीं पूछूंगी तो मैं सो नहीं पाऊंगी, थोड़ा सा टेंस रहूंगी। आप वैसे भी आप ऑड नारी हैं, आपको हक बनता है कुछ भी पूछने का। जी, आपकी लाइफ के आपने वाकई बहुत ओपनली शेयर किए और आपने उनका इम्पैक्ट आपकी जो पोएट्री पे आया वो भी आपने ओपनली शेयर किया। पहली बार जो पहला प्यार, दिल टूटना, जो आपकी प्रेमिका थी उन्होंने बोला कि अब मेरे खत लौटा दो, मेरी तस्वीरें लौटा दो, बहुत ही उस उम्र में वो बहुत ही ब्रेक कर सकता है इंसान को। फिर उसके बाद आपने एक शादी का भी किस्सा सुनाया था, वो आपने जिंदगी भी दृश्य देख लिया, मैंने उसके पहले कहीं नहीं सुनाया था वो किस्सा। सबने देखा है जी, ये ऋचा जी की रीच है, उनका नाम ऋचा नहीं होना चाहिए, उनका नाम रीचा होना चाहिए, बहुत दूर तक रीच है उनकी। आपकी भी रीच है। लोग आपको फॉलो करते हैं, तो मतलब ये टोटली अंडरस्टैंडेबल है कि बार बार इस तरह के इस तरह के पेन से गुजरना जो कि इमोशनल पेन। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लिटरेचर में इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, साहित्य में इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, मुझे लगता है पूरा एक वर्जन मिसिंग जाता है। महबूबा का वर्जन मुझे मिसिंग दिखता है हमारे गीतों से, हमारे कविताएं तो खैर मैं क्या ही बताऊं, इतनी कविताएं लिखी गई हैं मैंने तो बहुत कम पढ़ी हैं, पर स्पेशली गीतों में, और गीत आपका एरिया है गीत लिखना, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं, कम लिखा गया ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे गाने गिना सकता हूँ और बहुत पॉपुलर सुपरहिट गाने, क्योंकि यहाँ मैं पैरेलल म्यूजिक की बात नहीं करूँगा। मैं आपको बताता हूँ प्रतीक्षा कि कैसे औरत का पॉइंट ऑफ व्यू समझा गया है, कैसे नायिका का पर्सपेक्टिव भी समझा गया है। आप याद करें हकीकत फिल्म का वो गीत आपको याद है, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। देखें आप पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, कि यहाँ बेवफाई की बात नहीं है, कह रहे तुम तो बड़ी बेवफा निकली, ऐसा कैसे कर दिया, मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे, ऐसा नहीं है। वहाँ जो हीरो है, जो नायक है, जो शायर है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, रूठे जलवों पर खिजा और बिछाई होगी। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, रूठे जलवों पे खजा और बिछाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। छेड़ की बात पे जज्बात उबलाए होंगे, गम दिखावे की हंसी में ढलाए होंगे, नाम पर जब मेरे आंसू निकल आए होंगे, सर न कंधे से सहेली के उठाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। तो ये मैं मानता हूं कि कम लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लिखा गया, और आपकी बात बिल्कुल सही है, ज्यादा लिखा जाना चाहिए। और उसके लिए मैं चाहता हूं कि जो फीमेल राइटर्स हैं, जो वुमेन राइटर्स हैं, जिनको कि वाणी बहुत प्रमोट करता है, वो लोग सामने आए, वो लिखें, उनका पर्सपेक्टिव, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे सामने आना चाहिए। हम लड़के क्यों सब कुछ बोलते रहे, बड़ा बुरा किया हमारे साथ। अब बेवफाई में 10 में से 9 गाने, हाँ मतलब वही है ना, जाती तो है होती है, और मुझे बड़ी दिक्कत होती है इस बात से। और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत फीमेल लिरिसिस्ट इस वक्त हैं इंडस्ट्री में और जुड़ती जा रही हैं। हाँ, जो हैं भी और जुड़ती जा रही हैं, और सिर्फ लिरिसिस्ट ही नहीं, फिल्म मेकर्स भी, और ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल इंडस्ट्री में मनी कंट्रोल करना, खैर वो एक अलग मसला है। मैं आगे बढ़ती हूँ, एक अड्डा पे ही एक और सवाल था। मैंने बड़ी शार्प होकर मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, स्पेशली लल्लन टॉप वाले कॉन्वर्सेशंस, उसमें इनकम्प्लीट छूट गई थी ना, मैं बहुत स्मार्टली उसको सब अब कंप्लीट कर रही हूँ आज आपके साथ बैठ के। तो मेरा सवाल ये है कि अड्डे पे एक युवा, एक लड़का था, उसने आपसे पूछा था कि राइटर कैसे बने, आपने जवाब दिया था एक लाइन में, वक्त बहुत कम था, आप राइटर बन नहीं सकते, आप राइटर पैदा होते हैं और आप उसका कुछ कर नहीं सकते। ये बात अभी आपने थोड़ी देर पहले भी बोली थी, मुझे
डिटेल में जानना है इस बात को, क्योंकि तमाम राइटिंग वर्कशॉप्स होती हैं, लिटरेरी वर्कशॉप्स होती हैं, लोगों को लिखना सिखाया जाता है। राइटिंग, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक लाइन बताई एमिली डिकिंसन की, कि पोइट्री इज डिक्टेशन फ्रॉम गॉड। वो जब डिक्टेशन आपको आता है ना, आप उसको और निखार सकते हैं, और संवार सकते हैं, और पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डिक्टेशन आ ही नहीं रहा है आपको, अगर आप प्रोग्राम्ड ही नहीं हैं कुछ वैसा सोचने के लिए, फाइन आर्ट्स की तरफ जाने के लिए, शब्दों की तरफ जाने के लिए, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और ज़रूरी नहीं है कि फिर भी आप ज़बरदस्ती राइटर बनने की ज़िद पाले रहें। आपको एक बात जो मुझे बार बार मैं समझता हूँ वो ये है कि कोई भी जो महान कविता है, कोई भी महान रचना, वो कर्ण की तरह होती है। कर्ण वही रश्मिरथी वाले कर्ण। और मैं क्यों कह रहा हूँ कर्ण की तरह होती है, क्योंकि वो पैदा ही होती है मानव और ईश्वर के संजोग से। जैसे कुंती और सूर्य, एक औरत एक देवता, उनके संजोग से कर्ण पैदा हुआ, वैसे अच्छी कविता तब पैदा होती है जब एक मामूली सा मेरे जैसा कोई लिखने वाला या मामूली सा इंसान, उसके अंदर कहीं से कुछ अलौकिक, कुछ दिव्य, थोड़ी देर के लिए कोई प्रकाश भर जाता है तो वो अच्छा लिख देता है। ह्यूमंस है ना, हम ह्यूमंस, ह्यूमन वर्ड कैसे बनता है, ह्यूमन वर्ड बनता है ह्यूमस से। तो ह्यूमस का मतलब क्या होता है, डस्ट। ह्यूमन का मतलब डस्ट व्हिच हैज मेट द डिवाइन। तो जब डस्ट और डिवाइन एक होते हैं तो ह्यूमन बनता है। और ये बात सबसे ज़्यादा अगर कहीं उभर के आती है तो राइटर्स के केस में आती है। जब तक आपके अंदर डिविनिटी नहीं उतरती है, जब तक आपके अंदर कुछ अलौकिक नहीं उतर रहा है, तब तक आप जो लिखेंगे वो बहुत मामूली होगा। और जब आपके अंदर डिविनिटी उतरती है तब आप लिखते हैं, तब आप साहिर बन जाते हैं। अचानक बैठे बिठाए आप कुछ भी हों, आप ऐसे ही, कल अब्दुल हई नाम का एक इंसान कराची में धूल फांक रहा होता है और 10 दिन बाद वो साहिर उद्यान भी बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ उतर आया और वो लिखता है कि सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, मुझे साहिर याद आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को। ये पढ़ी आपने वो तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं कि सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे, उस शाम मुझे मालूम हुआ खेतों की तरह इस दुनिया में सहमी हुई दोषी जाओं की मुस्कान भी बेची जाती है, उस शाम मुझे मालूम हुआ जब भाई जंग में काम आए सरमाए के कहबा खाने में बहनों की जवानी बिकती है, उस शाम मुझे मालूम हुआ जब बाप की खेती छिन जाए ममता के सुनहरे ख्वाबों की अनमोल निशानी बिकती है, सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे। जब आपके अंदर कोई ऐसा प्रकाश उतरता है तो आप लिखते हैं कि जहां कहीं है दिव्य जगत में जहां कहीं उजियाला, वहीं खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। ये जब आपके अंदर उतरता है तब आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट बन जाते हैं, तब आप लिखते हैं वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये जब आपके अंदर अमृत हुई जो दिव्यता उतरती है तो आप कृष्ण बन जाते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहम मेते। ये सब तब होता है जब के अंदर आपके अंदर डिविनिटी उतरती है। आपको उसका इंतजार करना है, आपको उसके लिए बहुत कोशिश नहीं करनी, आपको खाली पात्र बनना है। और आप पात्र कैसे बनेंगे, आप शांति से बैठें और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, आपके अंदर क्या वो चीज़ है, अगर नहीं है तो ज़िद न पालें, छोड़ दें, दुनिया में और बहुत सारे अच्छे काम हैं करने के लिए। अभी मैं और अरुण जी बात कर रहे थे, वहाँ सेल्फ पब्लिशिंग की हम बात कर रहे थे। मैं इस बात को बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपको हमेशा एक बड़ा प्रकाशक ढूंढना चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं तो कोई ऐसा प्रकाशक जो कद्दावर हो, जिसका अपना नाम हो, जिसकी अपनी, जिसका एक व्यक्तित्व हो, ताकि आपको ये पता चले कि आपका फिल्टर क्या है। आपकी कविता जब रिजेक्शन से गुजरेगी 10, 12, 15, 20, 25 बार गुजरेगी, तब आपके अंदर कुछ अच्छा आना शुरू होगा। आपने लिखा, 4 लाइनें लिखीं, बहुत अच्छी लगी आपको, आपके पास पैसे भी हैं, पब्लिशिंग बड़ी सस्ती है, आप गए, आपने पब्लिश करवा ली, और पढ़ने वाले जो हिंदी कविता का इतना बड़ा एक यूनिवर्स है वो बेचारे कंफ्यूज कि यार इतनी किताबें आ रही हैं हम पढ़े कौन सी, मज़ा तो आ नहीं रहा। मज़ा कब आएगा, जब वो वाणी से निकलेगी। मज़ा तब आएगा जब बड़े बड़े पब्लिकेशन से अदिति अरुण जी ये लोग उसको स्क्रीन करेंगे, और ये बहुत जिम्मेदार लोग हैं। मैं जानता हूँ, मैं इनको इतनी किताबें रिकमेंड करता हूँ, 10 में से 8 रिजेक्ट कर देते हैं, 2 को छाप देते हैं कि हाँ ये 2 ठीक लग रही। तो ये ज़रूरी है कि आप इन सबसे गुजरें। आप घर बैठ के सेल्फ पब्लिश्ड होकर राइटर ना बने, उसका कोई फायदा नहीं है। बेसिकली लिखने का कोई टिकटॉक फॉर्मूला नहीं है। हाँ, लिखने का कोई टिकटॉक फॉर्मूला, 30 सेकंड वीडियो वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं है, चांस ही नहीं है। बहुत बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबी कहानी है। नो नो, देयर कांट बी अ क्रैश कोर्स, द ओनली क्रैश कोर्स इज रीडिंग। सो एक बार आप पढ़ना शुरू करते हैं ना, और पढ़ते पढ़ते आपको ये अंदाज़ा होता है, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपका टेस्ट ऊपर जाता है, आपके बेंचमार्क्स ऊपर जाते हैं। अच्छे राइटर बुरे राइटर में लिखने से ज़्यादा टेस्ट का फ़र्क होता है।
आपका टेस्ट ही अगर ये है कि तुझसे मिला दिल दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया, परवान, अगर आपका टेस्ट यही है तो आप भी ऐसे लिखोगे। लेकिन अगर आपका टेस्ट है, अगर आपका टेस्ट उस लेवल पे है कि आशिकी जुर्म, वफा जुर्म, मोहब्बत है गुनाह, ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता, कैसे बाजार का दस्तूर तुझे समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। अगर ये टेस्ट है तो फिर जाहिर सी बात है कि जब आप लिखेंगे आपको लगेगा ये मैंने क्या टाइम वेस्ट किया है। और मैं तो बताऊं, मैं जब फिल्मों में आया तो ये टेस्ट का बहुत बड़ा मसला था मेरे आगे। थोड़ा मैंने आपकी बात दिशा घुमा दी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। क्योंकि तब मुझे जो कहा जाता था वो क्या था, आप आए हैं, आपको गाने लिखने हैं फिल्मों में, और आप तो नए नए हैं, तो नए नए हैं तो आपकी बात कौन सुनता है, तो जो चल रहा है वही सही है, ये जो तुम लिख रहे हो ना सब बेकार है, तो क्या चल रहा है, जो चल रहा है वो सुनिए। मैं लड़की पोपो पो, तू लड़का पोपो पो, हम दोनों मिल गए अब होगा क्या, पोपो पो। अब उस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। ये कहीं और ही ले जाए, किसी और दिशा में बात चली जाएगी। और गाने उस वक्त जो चल रहे थे, जो मुझे सुनाए जाते कि अरे कुछ ऐसा लिखिए, वो गाने क्या थे, माने न माने टिंकू जिया, जवानी का मंजन घिसे है पिया। और गाने थोड़ा और आगे बढ़े, मैं तंदूरी मुर्गी हूं यार, गटक ले मुहे अल्कोहल से। मतलब हद है, दुनिया में कौन सी लड़की प्राउड फील करेगी कि उसका बॉयफ्रेंड उसको तंदूरी मुर्गी कहे, कहाँ है वो लड़की, कहाँ पाई जाती है, वो ऑर्डनरी में भी नहीं मिलेंगी आपको कहीं, कुछ ज़्यादा ही ऑर्ड हो गया है। तो जब ये देखा, और मेरे पास क्या था, मेरे पास ले दे के जो था, मैं ये समझता था कि आज नहीं तो कल इसका दौर आना ही आना है। मैं ले के पूरी दुनिया में घूमा, यहीं डूबे दिन मेरे, यहीं होते हैं सवेरे, यहीं मरना और जीना, यहीं मंदिर और मदीना, गलियाँ तेरी गलियाँ। रिएक्शन क्या था, आह बड़ा एकेडमिक है यार, बड़ा बुकिश है, बड़ा किताबी है, और ये मंदिर मदीना, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, मंदिर मदीना, इट डजंट साउंड गुड, इट डजंट रिंग अ बेल। तो ये है, फिर भी यही तो आपके पास मौका है कि क्या आप बाजार के प्रेशर में टूट जाएंगे या अपना बाजार खुद बनाएंगे। तो हम अपना बाजार हमने खुद बनाया। वो जिसे लिख के शर्म आ जाए, ऐसा नगमा कोई लिख जाऊं क्या, वो जिसे लिख के शर्म आ जाए, ऐसा नगमा कोई लिख जाऊं क्या, शोहरतें भी हैं जरूरी लेकिन शोहरतों के लिए बिक जाऊं क्या। इस पूरी बातचीत से मुझे दो सवाल निकल रहे हैं। एक तो वो डिवाइन लाइट आपके अंदर कब आई कि अब मैं पात्र हूं, अब मेरे थ्रू अब लिखना होगा, एक सवाल ये, और दूसरे सवाल पे मैं उसके बाद आऊंगी। दोनों बड़े डिस्कनेक्टेड से सवाल हैं। नहीं, मुझे कॉलिंग आई, इनफैक्ट डिवाइन लाइट अब तक नहीं आई है। जो सच है वो ये है, वो डिवाइन लाइट एक झलक दिखाती है कहीं और गायब हो जाती है, मैं पकड़ नहीं पाता उसे। और जब वो डिवाइन लाइट कभी गलती से झलक दिखा देती है तो मैं लिख देता हूँ, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जाऊँ, तेरे खेतों में लहराऊँ, इतनी सी है दिल की आरजू। ये आपने पता नहीं मेरे चेहरे पे कभी वो भाव नोटिस किए हैं कि नहीं, जब भी कोई इस गाने की तारीफ करता है ना, मैं सर झुका के सुनता हूँ, क्योंकि अंदर से मुझे लगता है कि ये मैंने तो लिखा नहीं है, मैं तो ये लिख ही नहीं सकता, मेरी तो इतनी काबिलियत ही नहीं है। मैं इतना अच्छा लिखने वाला होता, मैं रोज़ लिख लेता सुबह उठ के, एक तेरी मिट्टी, क्यों नहीं लिख पाता हूँ। उस दिन डिवाइन लाइट उतरी थी, थोड़ी देर के लिए मेरी कलम में वो डिविनिटी थी, और वो गायब हो गई। मैं ढूंढता रहता हूँ, मैं तलाश में हूँ, रोज़ सुबह उठता हूँ, एक ही चीज़ मांगता हूँ। मैं एक बात आपको बताऊँ, आप दुनिया के किसी भी मज़हब के हों, आप कोई भी रिलीजन मानते हों, कोई भी कल्ट मानते हों, कोई भी संप्रदाय मानते हों, अगर आपको लिखना है तो आपको ब्राह्मण होना पड़ता है। और क्यों होना पड़ता है मैं समझाता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में ये अकेली कौम है जिसको स्वाभिमान के साथ भिक्षा मांगने का अधिकार है। एक ब्राह्मण किसी के दरवाजे पे जब कटोरा लेके खड़ा होता है ना, तो वो भिखारी नहीं होता, भिक्षु होता है। जब आपको लिखना है तो आपको उस परमात्मा के आगे, उस समष्टि के आगे, आपको भिखारी बनके, भिक्षु बनके खड़ा हो जाना पड़ता है कि दे दो कुछ। अगर तुमने कुछ दे दिया, अगर कहीं गलती से तुम एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के दसवें हिस्से में भी मेरे अंदर उतर आए, तो मैं अमर हो जाऊंगा। द्विज,
ये पूरी की पूरी तरह से द्विज, जो सनातन धर्म में द्विज का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ब्राह्मण दो बार जन्म लेता है, एक बार तो अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है और दूसरी बार ज्ञान की कोख से जन्म लेता है, क्योंकि दोबारा आपको जन्म लेना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है। तो राइटर का दो बार जन्म होता है, एक बार जब वो पैदा हुआ है और दूसरी बार जब वो अपनी जो उसका तजुर्बा है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसकी डिविनिटी है, उससे जन्म लेता है। तो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, एक बात के लिए मैं हमेशा खुश रहा कि वो चीज़ मुझे नेचुरली आती है, मुझे भिक्षु बनना नेचुरली आता है, मेरे सिस्टम में है, मैं भिक्षा मांग सकता हूँ, तो मैं भिक्षा मांगता हूँ उससे, तो कुछ दे दे, कभी कभी दे देता है और कभी कभी नहीं देता, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और कभी कभी नहीं आता, ऐसे चलता रहता है। इस तरह तो अभी जो आपने बातें कही, फिर भाषा का केवल ब्राह्मण की होके रह जाती है? नहीं 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 नहीं, सवाल ये नहीं, मैंने बोला कि उस वक्त के लिए आप ब्राह्मण हो जाएं। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, मैं कहता हूं जब आप सरहद पे जाते हैं, जब आपको सामने अपने दुश्मन से दो दो हाथ करने, आप क्षत्रिय हो जाएं, आप किसी भी कुल में जन्मे हो, उस वक्त आपके अंदर क्षत्रित्व की आग होनी चाहिए, उस वक्त आपके अंदर वो पौरुष होना चाहिए, वो गुस्सा होना चाहिए जो क्षत्रिय में होता है, वो तत्व होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ कहीं से मैं जाति संप्रदाय धर्म मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जिस तरह से हम बटे हुए हैं, हमें एक एक एलिमेंट लेना है, कभी ये एलिमेंट लेना है, कभी आपको शूद्र भी होना पड़ता है बहुत बार, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। एग्जैक्टली आंधियाँ नहीं आग जिनमें भरती हैं, छातियाँ जहाँ संगीनों से डरती हैं, ये आपने सुना होगा, और ये क्षत्रिय होना पड़ता है आपको जब आप जाते हैं जंग लड़ने, तो कि आंधियां नहीं आग जिनमें भरती हैं, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। तो अगर आपको वो बचा के चलना है, तो जाहिर सी बात है कि आपने जो भी इस मिट्टी से सीखा है, और बड़ी कल्चरली रिच है हमारी मिट्टी, बहुत ज्यादा रिच है, तो वो सब कहीं दूर मत जाइए। सात समंदर पार आपको हीरो नहीं खोजने हैं, क्योंकि सात समंदर पार हीरो खोजने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत दिनों से चली आ रही है, और मुझे इस पर बड़ा एतराज़ होता है कि आप कभी बगल में देखते ही नहीं हैं, आप अपनी माँ की तरफ, अपने पिता की तरफ, आपके पड़ोसी की तरफ, आपके टीचर की तरफ देखते ही नहीं, आप तो जब तक लॉर्ड मैकाले की कोई बात ना आ जाए तब तक आपको समझ में नहीं आती। और देखें आप, लॉर्ड मैकाले का एक, इनफैक्ट ये बात आ ही गई और बात चली, पता नहीं कहाँ ख़त्म हो गई है, मैं तो ऐसे बोलता चला जा रहा हूँ। मुझे याद है ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड मैकाले का एक लेक्चर है, एक उन्होंने एक भाषण दिया है, उस भाषण में वो साफ साफ कहते हैं, ये तब की बात है जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, ये कॉलोनियल डेज की बात है, वो कहते हैं कि मैंने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा घूम के छान के देखा है, उनकी संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं, और वो देश ज़्यादा दिन गुलाम नहीं रहेगा। अगर यूनियन जैक लहराने देना है हिंदुस्तान पे, भारत पे, तो उसका एक ही तरीका है, उनके अंदर हीन भावना भरो, उनको छोटा महसूस कराओ कि तुम जो पहनते हो वो ठीक नहीं है यार, तुम जो खाते हो वो ठीक नहीं है, तुम जो बोलते हो वो ठीक नहीं है। और ये हुआ बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही षड्यंत्र के तहत हमें बार बार ये बताया गया कि यार देखो वो जो वेस्ट वाले हैं ना, वो हैं, मतलब वो महजब हैं, वो तहजीब वाले हैं, कहाँ कहाँ हैं वो, और तुम क्या हो? अच्छा ठीक है, आप तहजीब वाले हैं, आप बहुत बड़ी तोप हैं, तो आपने क्या कर लिया? मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा था, एमिली, कहीं फिर से मुझे एमिली याद आ रही है, 19वीं सदी की बात है, 1830 से 35 की बात है, एमिली डिकिंसन जैसी पोएटेस, इतनी महान कवियत्री का कोई संकलन कभी छपा नहीं, क्योंकि उसके बाप को अमेरिका में बैठ के ये लगा कि अगर बेटी की किताब आ गई पोएट्री की तो मैं समाज में क्या मुँह दिखाऊंगा, इतना छोटा तो वो सोचते हैं। हमारे यहाँ आप देखें तो ऋग्वेद में ऋषि कन्याओं की ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ मैं, वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ, अपाला को कौन नहीं जानता, इतनी बड़ी बड़ी विदुषियाँ हमारे यहाँ हुई हैं, अरे हम तुमसे बहुत आगे हैं। तो जब भी कोई आपको वेस्ट से आके सूट बूट पहन के समझाए ना कि नहीं तुम छोटे हो, यू आर इन्फीरियर टू अस, तो ये बात मानिएगा मत, हम बहुत आगे हैं और हमेशा से आगे थे। किस किस चीज़ पर ये लेते हैं क्रेडिट? अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में इलेक्शन हो रहे थे, अमेरिका के इलेक्शन में सारे न्यूज़ चैनल्स सब ये बोले चले जा रहे थे कि द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड इज गोइंग फॉर इलेक्शंस, दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र। अरे दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र अमेरिका नहीं है, 300-400 साल पहले की बात है यार तुम्हारी, 2500 साल पहले अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया था, कालिदास ने लिखा था, 2500 साल पहले पहली बार कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल किया है, हमसे पहले किसी को डेमोक्रेसी नहीं पता थी। और चलिए अब आप टेक्नोलॉजी में आप बहुत आ गए, ठीक है, आपने टीवी भी बना लिया, 5000 साल पहले संजय लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे हमारे यहाँ।
हाँ आप अब आती है बात ना कि हमने तो सैटेलाइट डिस्कवर कर लिया, हम क्लाउड से चलते हैं। मेघदूत, कालिदास का मेघदूत पहला कॉन्सेप्ट है क्लाउड का। आज सब चीज़ें क्लाउड पे है ना, आप यहाँ बैठे बैठे क्लाउड से अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, सब कुछ क्लाउड से आपके फ़ोन पे आ रहा है। हुआ क्या था वो कहानी आपको पता है? अलकापुरी कितनी दूर है, ये नेपाल के आसपास की बात है। अगर आज का आप ज्योग्राफी देखें तो वहाँ एक यक्ष था जो नौकरी करता था कुबेर के यहाँ, कुबेर अलकापुरी के राजा थे। अब वो यक्ष का काम क्या था, वो सुबह सुबह जाके और एकदम ताज़ा फूल चुन के ला के रखता था ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग के पास, ताकि जब ये अपने कुबेर जब ये शिव की पूजा करने आए तो उनको ताज़ा फूल मिले। ये सिलसिला बरसों बरस चलता रहा। एक दिन हुआ क्या, एक दिन जब कुबेर आए तो पूजा के लिए फूल नहीं रखे थे। वो थोड़ा नाराज़ हुए, घबराए, यहाँ वहाँ पता किया, फूल कहीं नहीं है, और उनकी पूजा उस दिन भंग हो गई। पूजा भंग हुई तो उन्होंने यक्ष को बुलाया, बोले ये कैसे हो गया? तो वो डर से कांपने लगा, थर्रा उठा। उसने कहा देखिए ऐसा है कि मेरी नई शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी के मोहपाश को तोड़ के सुबह सुबह उठ नहीं पाया और उसके आलिंगन में सोता रह गया मैं, और इसलिए मैं वक्त पे फूल नहीं ला पाया। उसको सज़ा क्या सुनाई गई, ट्रांसफ़र किया गया उसका, कि ठीक है तो तुमने जिस प्रेम की वजह से मेरे शिव की आराधना में भंग डाला है, अब उसी प्रेम से तुम दूर हो जाओगे। उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया इंदौर के पास सरगुजा पर्वत में। अब आप देखें नेपाल और इंदौर, किसके ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। अब सरगुजा पर्वत पे इंदौर में वो क्या करता यक्ष, वो प्रेमातुर था, व्याकुल था, उसका इश्क उसे परेशान कर रहा था। वो रोज़ सुबह उठता और बादलों से बात करता और बादलों से कहता कि तुम तो पूरी दुनिया में घूमते हो, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ, जो मेरे हृदय की पीड़ा है, मेरे संदेश वाहक बन जाओ और जाकर मेरी प्रेमिका की छत पे बरस जाओ, एक एक शब्द जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ वो जाके उसकी छत पे बरसा देना। पहला कॉन्सेप्ट है क्लाउड का। इसके पहले क्लाउड, आई क्लाउड, ये क्लाउड, वो क्लाउड, जीमेल क्लाउड। गलती इतनी सी हुई प्रतीक्षा कि हमने कभी अपने पोएट्स को सीरियसली लिया ही नहीं। हमें क्या लगा, अरे यार ये लिखने पढ़ने वाले शायर कवि, मतलब इनका क्या है, कुछ भी बोलते रहते हैं। हमने अगर तब सीरियसली लिया होता तो टेलीविजन पहली बार हमने बनाया होता, अगर हम इंस्पायर्ड हुए होते संजय से तो ये आई क्लाउड एंड ऑल दैट ये सबसे पहले हमने बनाया होता। अब भी वक्त है अपने पोएट्स को, अपने कवियों को, अपने शायरों को और हर ड्रीमर को, हर वो आदमी जो बेसिर पैर की बात करता है उसको सीरियसली लेना शुरू कीजिए आज से। अभी आपने जो बोला ना उसमें बड़े ढेर सारे पॉइंट्स निकल कर आए, तो मैं उसको नोट भी नहीं कर पाई। इसीलिए मैं कुछ बातों से सहमत हूँ, कुछ बातों से असहमत हूँ, उसमें हम फिर कभी चर्चा करेंगे। जो ब्राह्मण वाली बात जो अभी हुई थी, मैंने उसमें बीच में आपको एक जगह टोका भी था भाषा को लेकर, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक जो बहुत बड़ा विवाद हुआ था ट्विटर पर, चंद्रशेखर आज़ाद, मैं जने उधारी पर, आपने उसके बाद सफाई भी दी और मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया, आई एम सॉरी, आपने आके अपना पॉइंट वहां पे क्लियर किया, आपने अपनी बात बताई कि आपने जो किया आपने क्यों किया, वो बेशक आपका व्यू है, लेकिन उसके बाद भी ये कहा गया कि मूल सवाल फिर भी रह गया कि जनेऊ का जिक्र आना जरूरी क्यों। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ। मेरा ओपिनियन सिर्फ ये है, और ये बहुत नितांत मेरा ओपिनियन है, इसमें ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अब हम धीरे धीरे दाखिल हो रहे हैं कि हम पूरा दिन और पूरी रात इस पर बात कर सकते हैं, कई एपिसोड बन सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 3-4 लाइनों में ख़त्म करूँगा कि मैं उस तरह के सेकुलरिज्म में बिलीव नहीं करता जहाँ के मैं जब तक अपने पिता को और अपनी माता को मैं कोठरी में ना बंद कर दूँ और आपके पिता के आपकी माँ के पैर न छू लूँ तब तक मैं सेकुलर नहीं हुआ। मेरा हमेशा ये मानना है कि मैं जो पैदा हुआ हूँ जिस कल्चर में जिस संस्कार में, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट बॉर्न टू पेरेंट्स, वी आर बॉर्न टू अ मदरलैंड, वी आर बॉर्न टू अ कल्चर, वी आर बॉर्न टू अ हेरिटेज, वी आर बॉर्न टू अ लेगेसी, वो सब मेरा अपना है। तो वो जो निजत्व है ना मेरा, उस पर मुझे गर्व है। अगर मैं ब्राह्मण पैदा हुआ हूँ और मेरे जीने के कुछ तौर तरीके हैं तो उस पर मुझे गर्व है, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी और धर्म संप्रदाय में पैदा हुई हैं तो उसको भी आप सलामत रखें। ऐसा नहीं है कि जब तक मैं अपने आप को मिटा ना दूं और आप अपने आप को मिटा ना दें तब तक हम गले नहीं मिल सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम हम ही तो कहते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये सेकुलर होने की शर्त क्यों है कि मैं पहले शुक्ला होना छोड़ दूं, पहले मैं जनेऊ उतार दूं, पहले मैं एक खास तरह का दिखना छोड़ दूं? वो मेरा कल्चर है,
दैट्स द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप, उसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे नहीं छोड़ना और आप भी मत छोड़िए और कोई ना छोड़े। इसके बावजूद मज़ा तो यही है ना कि जब हम साथ बैठें तो एक ही टेबल पे लड्डू भी रखे हों, खीर भी रखी हो, सिवैयाँ भी रखी हों, ये मज़ा है। पर आपको नहीं लगता कि ये भी कहना एक बड़े प्रिविलेज के पॉइंट से आता है कि आई एम प्राउड ऑफ माई बर्थ, ये भी एक एक कास्ट प्रिविलेज के पॉइंट से आता है? प्रिविलेज के पॉइंट से आता है, एग्जिस्टेंशियल प्रिविलेज के पॉइंट से आता है, कास्ट प्रिविलेज से नहीं आता। एग्जिस्टेंस में तो बिलीव करते हैं ना हम, तो ये एग्जिस्टेंशियल प्रिविलेज है। और एग्जिस्टेंशियल प्रिविलेज का मतलब ये भी है कि आप जिस भी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, अपने नाम के आगे पासी लगाते हैं, जो कि एक कौम है जिसको हमने बहुत दिनों तक दलित बना के रखा और उनकी तरफ देखा नहीं पलट के, वो गर्व से लगाते हैं अपने नाम के आगे पासी। आई फील प्राउड ऑफ दोज पीपल। आप उसको कैरी करें, जो भी आपकी पहचान है, जो आपकी व्यक्तिगत और आपकी वास्तविक पहचान है, जो मूल पहचान है, आप जैसे पैदा हुए थे, उससे शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप अपने साथ हमेशा रखें। और इसका मतलब ये, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं से कुछ खास तुर्रम खां हो गया, अब तो बाकी सब छोटे हो गए मेरे आगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को मिटा के आपका कैसे हो सकता हूँ, मैं खुद भी तो बाकी रहूं पहले। ये कौन से सेकुलरिज्म की शर्त है कि पहले तुम मिट जाओ, तुम खत्म हो जाओ, तुम शून्य हो जाओ, तुम जीरो हो जाओ, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाए, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाए, अब तुम सेकुलर हो। ऐसा सेकुलरिज्म बहुत घातक है इस देश के लिए, और हमने बरसों से देखा है कि इस तरह के सेकुलरिज्म ने हमारा क्या हाल किया है। अब ना हो तो अच्छा है। आप लोगों को भी सवाल पूछने का मौका दिया जाए। आपने जो बोला ये फटाफट, जो आपकी ये पंक्तियां थी, ये आप ही पढ़ें। बदतमीजी नहीं तो ये क्या है जो जुबानों के साथ करते हो? बदतमीजी नहीं तो फिर क्या है जो जुबानों के साथ करते हो? हिंदी हिंदू है, उर्दू मुस्लिम है, जाहिलों जैसी बात करते हो। और ये कमाल है, ये कमाल है कि हम एक ऐसे कंपोजिट कल्चर में सांस लेते हैं जहां कम से कम जबानों का प्योर होना ज़रूरी नहीं है। इस पे मुझे हमेशा एक तनकीद की जाती है कि भाई ये आदमी गलत बात बोल रहा है, पर मैं सच कह रहा हूँ आपको कि जबान का जो पूरा का पूरा, एक आप बाइक खरीदते हैं, उसका पहला काम क्या है? उसका पहला काम है आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाना। उसके बाद आप उसका कुछ भी करें, आप उस पर स्टंट दिखाएं, आप जो मन में आए करें, ट्रैक्टर से भी स्टंट दिखाए जाते हैं, आप कुछ भी करें उस बाइक के साथ, लेकिन पहला काम ये है कि यहाँ से यहाँ तक ले जाए। वैसे जुबान का जो बेसिक काम है वो क्या है? जुबान का बेसिक काम है संप्रेषणीयता, कम्युनिकेशन। अगर जुबान कम्युनिकेट कर रही है तो वो अच्छी जुबान है, और अगर जुबान कम्युनिकेट नहीं कर रही है तो फिर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप बोलें, वो साहिर ने लिखा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है आप बड़े प्योरिस्ट हो जाएं कि हिंदी में लिखेंगे, यदा कदा मेरे मन में विचार आता है। तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे, यदा कदा वाले तो आप हैं नहीं, उसकी भी ब्यूटी है। आप, मैं हज़ार बार कह चुका हूँ कि आप चाय मांगने के लिए शुद्ध हिंदी में तो नहीं मांगेंगे कि एक मृत्तिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त उष्ण पेय प्रदान किया जाए। आप चाय मांगने के लिए एकदम खालिस अरबी में तो नहीं मांगेंगे, उर्दू में तो नहीं मांगेंगे कि एक लबरेज़ तपेश प्याला या बरगे बर्तानिया पेश किया जाए। आपको चाय चाहिए, आपको कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है गाना है, चिल मौज करिए, अच्छी भाषा है। इसी सवाल पर मैंने बोला था बहुत पहले आपसे कि दो सवाल मुझे करने हैं, एक मैंने कर लिया था। दूसरा सवाल मेरा यही था कि जब आप इंडस्ट्री में आए लिखने के लिए, तो आप बताया कि जो आपने फेस किया, कि बोला गया कि इस फलाना गाना पौ 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 करके गाना लिखो, इस तरीके का कुछ डिलीवर करो, कितना मुश्किल अपनी भाषा को, मैं इसमें पढ़ रही हूँ तो इसमें भी ये आपके गीतों से काफ़ी सिमिलर भी है, काफ़ी अलग भी है। जैसे मैंने एक ऑनलाइन करके कविता पढ़ी, वो एक अलग टेम्परमेंट की है, और बाकी कुछ और भी, जैसे जैसे ये मैं एक शेर पढ़ रही हूँ, पूरा नहीं पढ़ूंगी, घबराइए मत, इन्हीं से ही पढ़वाऊंगी। कभी दिल निसार करता, कभी जान निसार करता, तुम प्यार करने देती तो मैं कितना प्यार करता। तो आपने बोला कि हमें अच्छे कंटेंट की जगह बनानी होगी। एक मिनट की माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ। देखिए, एक बहुत, आपने इत्तफाकन जो पोइट्री उठाई है, तो मैं यहाँ अनाउंस कर देता हूँ कि वाणी पब्लिकेशन की किताब में छपी हुई ये नज्म मेरी फितरत है मस्ताना की, ये एक विलन टू जो अगली फिल्म आ रही है मेरी, ये नज्म पूरी की पूरी इस किताब में आपको मिलेगी, उस फिल्म में आपको मिलेगी। और वाणी
का बॉलीवुड कनेक्शन ये तो कभी फ्लॉन्ट करेंगे नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आप बताओ तो ये बोलते ही नहीं कहीं, पर वाणी का बॉलीवुड कनेक्शन मैं बताता हूँ भले यहाँ से उधर के मुझे ये दोनों ही डांटे, अदिति और अरुण जी दोनों। भुज अजय देवगन की जो अगली फिल्म आ रही है उसमें वाणी की इसी किताब से जो नज़में हैं वो हैं। शेरशाह करण जौहर की जो अगली फिल्म है उसमें इसी किताब की नज़में हैं। तो मतलब बॉलीवुड का जो एक डेब्यू है वाणी का वो पूरे धूम धड़ाके के साथ हो चुका है। और अच्छी बात ये है जिसके लिए मुझे आपको शुक्रिया कहना है अदिति और अरुण जी, वो ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने नज़में जाके सुनाई किसी को, सुन लीजिए आप अच्छी लगी, ये लोगों ने पढ़ी है। ये बड़े बड़े जिन फिल्म मेकर्स की बात मैं कर रहा हूँ उन्होंने मेरी किताब में पढ़ी है और मुझे फ़ोन किया कि यार आपने कभी सुनाई नहीं। मैंने कहा मतलब कितना सुनाऊंगा। तो इस किताब ने मेरे लिए कम से कम 7 या 8 बड़ी फिल्मों के दरवाजे खोले हैं और ये है पब्लिशिंग का। तो मैं अपने सवाल पर लौटती हूँ, कितना मुश्किल है इस तरह के कंटेंट की, नाउ दैट आप एक बहुत एस्टैब्लिश्ड लिरिसिस्ट हैं, फिलहाल चीजें थोड़ी आसान ऑफ कोर्स हो गई होंगी, जब आप शुरुआत कर रहे थे कितना मुश्किल था इससे नेविगेट करना कि अपनी भाषा और जो एक अडॉप्टेड भाषा है। नहीं मैं कभी भटका ही नहीं, इनफैक्ट मुझसे अगर आप पूछें, क्योंकि मैं बहुत लकी था इस बारे में कि मैं टेलीविजन करने लगा और टेलीविजन पे मैं बहुत ज्यादा काम करता था। तो पता नहीं आप में से कितनों को पता है लेकिन ये फिल्मों में आने के पहले कौन बनेगा करोड़पति, झलक दिखला जा, नच बलिए, इंडियन आइडल, इंडियन आइडल जूनियर, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, जितने भी रियलिटी शोज आपने देखे हैं इस देश में 70% मेरे लिखे हुए थे। तो मैं कभी ज़रूरतमंद नहीं था, तो मुझे कभी वो बाउ डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि नहीं हुजूर जो आप कह रहे हैं माई बाप बस वही सही है, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं आपकी अपनी सोच है लेकिन वक्त की बहाव में सब कुछ बह जाएगा, जो रह जाएगा वो है अच्छी शायरी और वो मेरे पास है, आपको चाहिए क्या। ये था और ऐसा नहीं है, एक बात मैं बताऊं, जो लोग यहाँ से जाते हैं ना छोटे शहरों से छोटे गांव से उनके अंदर एक अजब तरह की हनक भी होती है, तो वो हनक हमारे अंदर भी थी। जब हम हमें भी आप अब तो इतनी सारी कहानियाँ आप सुनते रहते हैं नेपोटिज्म के किस्से वैसे दुनिया भर के, बाहर मंजरेआम पे अनेक चीज़ें शुरू हुई हैं। और मैं आप सबकी तरफ से मौका ही गया तो मैं बता दूँ कि ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, आप लोगों के अंदर जो छुपा हुआ है इसी की मुंबई में ज़रूरत है। ऐसा वहाँ बड़े सुपर ह्यूमन सुपरमैन लाके नहीं बैठे हुए हैं, एकदम नॉर्मल लोग हैं मेरे आपकी तरह, वो जाते हैं वहाँ और कुछ कर जाते हैं। और जब भी आपको कोई ये दिखाए कि अरे देखो हमारे तो बाप का नाम ये है, हमारा तो सरनेम ये है, तो मैं चाहता हूँ आप उनसे कभी कहेंगे सुनो बड़ के शहर और बड़ के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुंझुना कहीं और जाके बजाओ। हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा, हम बकैती पे आ गए रे बाबू तो नेपोटिज्म का पसीना छूट जाए। हम जानते हैं तुम पावर में हो, तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमके रहेंगे। मैं खड़ा तो सुना दू ना पूरी प्लीज, सुनो बड़े के ये देखिए अटके हुए कहीं हूँ नहीं, ये थोड़ी सी जरूरत इसलिए है क्योंकि ललन टॉप वरना हमारा एपिसोड एयर नहीं करेगा, साउंड की दिक्कत आ जाएगी। साउंड की दिक्कत आती है, इसको लगाना मुश्किल हो रहा है, कोई लगाएगा यार है कोई साउंड वाले भैया जी, चलिए जेब में डाल लेते हैं, चलिए जाने दीजिए जेब में रख लीजिए। सुनो बड़ के शहर और बड़ के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुंझुना कहीं और जाके बजाओ, हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा, हम बकैती पे आ गए ना बाबू तो नेपोटिज्म का पसीना छूट जाएगा। हम जानते हैं तुम पावर में हो, तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहेंगे। तुमने मसनद पे जो मुनसिफ बिठाए हैं वो हमको फनकार नहीं मानेंगे, कलाकार नहीं मानेंगे, अदाकार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। चालू डब्बे में चढ़ के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। तुम्हारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में ताकत, दोनों का अंतर समझ लो। पावर वो कुर्सी है जो किसी की सगी नहीं हुई, चाहे कोई जिए या मरे, और ताकत वो बचपन का यार जो यारी में गर्दन कटा दे और उस तक ना करे। तुम भी यार
कमाल हो, शेर के बच्चे को चाबुक दिखाते हो, हमको सरनेम से डराते हो। जब छोटे लाल मास्टर डा से डर पड़ा रहे थे, हम पेड़ की पुलगी पे चढ़ के आ से अमरूद खा रहे थे। उस क्लास में नहीं बैठे जहां डर का डिक्टेशन बोला गया, वो पानी नहीं पिया जिसमें छोटे बड़े का जहर घोला गया। और बाप के कंधे पे बंदूक रख के तो हमने चिड़िया तक नहीं मारी। बहुत सुन लिया तुमसे, हमारा बाप ये, हमारा बाप वो। आज हम तुमको अपना शजरा दिखाएंगे। गिनो, आज हम अपने बाप दादा परदादा सबका नाम गिनाएंगे। पहले दद्दा का नाम नोट करो, रणवीर चौकड़ी चेतक वाले। बौरा गए तो जिले इलाही का खून ठंडा कर दिए, घास की रोटी खा के मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिए। हमारे बड़के भैया 14 साल जंगल जंगल जोगी की सवारी फिरती रही और सिंहासन पे उनकी खड़ाऊ राज करती रही। एक कपकू भी थे हमारे, फूटी आंख से कर्तव्य दिखा दिए थे, शब्द भेदी मार के गौरी को गुल्लैया बना दिए थे। और बाबा हमारे बड़के, एक पगलेट राजा ने चुटिया खोल दी तो ऐसा भड़के कि गेम ऑफ थ्रोन्स खेल दिए, पूरा का पूरा मगध अकेले ही ठेल दिए। तो बॉटम लाइन बोल देते हैं, सुन लो, तुम अपनी खोपड़ी के पीछे वो चमकने वाला गोला लगवा लो, हम फिर भी तुमको अवतार नहीं मानेंगे। तुम्हारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुमको परवरदिगार नहीं मानेंगे। तुम वंशवाद की जमीन खोद के हमें गाड़ दोगे तो हम बगावत का बीज बन के फूटेंगे, पर तुमसे हार नहीं मानेंगे। अब बैठ जाते हैं। बहुत खूब। मैं क्या ही बोलूं इसको, इसके बाद तो क्या ही बोला जा सकता है। मैं आपके, हम गीतों की बात कर रहे थे, नेपोटिज्म की भी बात कर रहे थे, एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहती हूँ। आपकी जो सबसे फेवरेट गीत आपने बार बार बताया है, तेरी मिट्टी, मैं ये भी चाहती हूँ कि आप वो किस्सा सुना दें जब आपको फ़ोन आया था एक सोल्जर का। जी ये देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जब तेरी मिट्टी को मैं कहता हूँ कि मेरा गीत है तो थोड़ी ज़बान लड़खड़ाती है। जिस कॉन्फिडेंस से मैंने अभी आपको ये सुना दी रचना, उस कॉन्फिडेंस से मैं आपको तेरी मिट्टी कभी नहीं सुना पाऊँगा, क्योंकि तेरी मिट्टी हो गई, कुछ था ऐसा उस वक्त, ऐसा संजोग था। लेकिन तेरी मिट्टी रिलीज़ हुए तकरीबन 3 दिन हुआ था और हमें ये पता चल चुका था कि हाँ, ये गाना बहुत दूर तक पहुंच रहा है और बहुत लोगों को रुला रहा है, बहुत लोगों के दिल पे असर कर रहा है। पर अब मेरी भी आप कहानी देखें, मेरा शायद 300वां गाना रहा होगा, 300 उसके पहले भी लिख चुका हूँ मैं। तो रोज़ की बात हो गई थी कि हाँ ठीक है, ये गाना अच्छा है, ये गाना बुरा है, ये गाना लोगों ने नहीं सुना, ये गाना बहुत सुना। तो मैं बहुत ध्यान नहीं देता, मेरा सारा ध्यान लिखने तक होता है। लिखने के बाद गाना कहाँ गया मुझे एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सच है। और जो लोग मेरे बहुत करीब हैं वो जानते हैं कि मैं वो कैरी नहीं करता अपने कंधे पे कभी कि अरे मेरे गाने का क्या हो रहा है। लेकिन 3 दिन के बाद मुझे एक सोल्जर का फ़ोन आता है कश्मीर से कहीं किसी सेक्टर से, और मेरे ऑफिस के नंबर पे आता है, और मेरे ऑफिस, मेरे सामने एक सोल्जर की वाइफ बैठी हुई है, रोशनी है, ये इनके जो हस्बैंड हैं वो कर्नल है, राइट? हाँ, तो देखिए इनके लिए तालियां बजाएं आप इनके पति के सम्मान में। और मुझे जो उसने कही बात, वो जो हमारे सोल्जर थे, तो मेरे ऑफिस से ट्रांसफ़र किया, क्योंकि ऑफिस को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि गौरीगंज, अमेठी और सिपाही, ये 3 फ़ोन कभी रोकना मत, सीधे मुझ तक ट्रांसफ़र कर देना। तो वो फ़ोन मेरे पास आता है, मैं उठाता हूँ, और वो जो बात कहते हैं वो बात बड़ी कमाल की थी। उन्होंने कहा कि भैया हम यूपी वाले हैं और गाना सुना आपका और बहुत ज़मीन जायदाद है हमारे यहाँ, हम बहुत बहुत बड़े हैं, हम चौधरी हैं, बहुत हमारे पास बाग बगीचे हैं, 300 बीघे हमारे पास लैंड पड़ी हुई है, और फिर भी हम जब यहाँ आना चाहते थे सेना में सिपाही बनके, तो हमें सब ने समझाया कि पागल हो, मतलब 25,000 के चेक के लिए 25,000 की नौकरी करने जा रहे हो वहाँ, क्या दिमाग ख़राब हो गया, इतना सब तुम्हारा जायदाद पड़ी हुई है। भैया हम कैसे बताते हैं उनको कि 25,000 के लिए नहीं जा रहे हैं, जिस फीलिंग के लिए जा रहे हैं ना, एक आरजू के लिए जा रहे हैं, वो आरजू आपने लिख दी भैया, कि तेरी नदियों में बह जाऊँ, तेरे खेतों में लहराऊँ, इतनी सी है दिल की आरजू। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला। कितनों को
मौका मिलता है, कितनों को मौका मिलता है। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। मरते मरते रहा बचपन साथियों और तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जब एक सोल्जर सरहद पे दम तोड़ रहा होता है आखिर के 10 मिनट क्या सोच रहा होता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। जब उसको पता है कि बस ये आखिरी के कुछ पल हैं, किसी भी वक्त मेरी चेतना शून्य हो जाएगी, किसी भी वक्त मेरी आंखें बुझ जाएंगी, किसी भी वक्त मेरे सीने में धड़कता हुआ दिल बंद हो जाएगा, क्या सोच रहा होता है। वो एग्जैक्टली यही सोच रहा होता है कि ठीक है मैं वापस नहीं जा पाऊँगा, मैं उन लोगों से मिल नहीं पाऊँगा जिनसे इतनी मोहब्बत थी, मैं उन लोगों से नहीं मिल पाऊँगा जिन्होंने मुझे घोड़े पे सवार करके और मेरा जुलूस निकाला और मुझे सेना में भेजा था, वो सब पीछे छूट गया। लेकिन इससे बड़ा फख्र क्या होगा कि इस देश के काम आ गया। तो ये है इस गाने के पीछे की कहानी और इतनी सी ही है, इसके आगे पीछे कोई कहानी नहीं। मुझे याद है उस वक्त जब लोगों को फोन लगाओ तो 10 में से 8 लोगों की यही कॉलर ट्यून लगी होती थी। और इससे मेरा नेशनल कैरेक्टर पता चलता है। मैं एक बात और कहूंगा, इससे ये पता चलता है कि हम में बहुत तरह के मत मतांतर हो सकते हैं, हजार तरह के, आपके मेरे बीच में 100 बातें निकलेंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे ना हम एक चीज से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो है हमारा तिरंगा, उससे हम सब मोहब्बत करते हैं। तो इस गीत के हिट होने की, इस गीत के बड़े होने की ये खुशी तो मुझे है ही, खैर कि गाना बहुत मकबूल हुआ, पर ये खुशी ज़्यादा है कि इसी बहाने 9 मजहब और 3000 जातियों वाला देश एक गाना गा रहा है जिसका नाम है तेरी मिट्टी। बात जब देशभक्ति की है तो मैं मौजूदा समय, मौजूदा जो अभी कॉन्टेक्स्ट है उस हिसाब से, कंटेम्प्रेरी टाइम्स के हिसाब से आपकी डेफिनेशन जानना चाहूँगी देशभक्ति की, कि देशभक्ति क्या है ये भी और देशभक्ति क्या नहीं है ये भी। देशभक्ति क्या है, बहुत सिंपल है। मेरे लिए देशभक्ति ये है कि हम नारे तो बहुत लगाते हैं, भारत माता की जय, ये देशभक्ति नहीं है। एक छोटा सा भारत मेरी बिल्डिंग में, मेरे घर में, मेरे ऑफिस से घर जाते हुए भी है। उस भारत में कहीं केले का एक छिलका पड़ा हुआ है, मैं वो केले का छिलका अपनी गाड़ी रोक के निकलता हूँ, गाड़ी से उठा के बाहर एक डस्टबिन में फेंक देता हूँ। मुझसे बड़ा देशभक्त कोई दुनिया में नहीं है। मेरी देशभक्ति को एंटी पाकिस्तान नारे लगाने की जरूरत नहीं है और उस बिना पे मुझे प्रूफ भी नहीं करना कि मैं देशभक्त हूं। मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत, मेरा देश जितना मेरे हिस्से में है, जितना मुझे मिला है, उतने को मैं बड़े प्यार से सहेज के संवार के रखूंगा जैसे एक बाप अपने बच्चे को रखता है। बस ये देखूंगा। और चूंकि बात तेरी मिट्टी गाने से शुरू हुई थी, मैं वो अवार्ड वाला विवाद जो हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आया गया, क्या था वो? खर्चा बचा रहा था मैं, 8-10 अवार्ड होते हैं पूरे साल बॉलीवुड में, सबके लिए सूट सिलाओ, बड़े महंगे महंगे सूट सिलाने पड़ते हैं, जाके बैठ के ताली बजाओ, कोई और अवार्ड जीत रहा है, तो हमने कहा हम नहीं बजाएंगे ताली, बहुत हो गया, बस खत्म हो गई कहानी, नहीं बजानी ताली, बस इतना सा टाइम बचा लिया मैंने और कुछ नहीं। एक सवाल जो उस समय लोगों ने उठाया, मेरे भी मन में आया कि क्या एक लेखक को, एक रचनाकार को क्या अवार्ड की वैलिडेशन की जरूरत होनी चाहिए? अवार्ड्स क्या करते हैं? ऑफकोर्स साइकोलॉजिकली हमें बहुत बूस्ट करते हैं हमारा मोराल, क्या उसके वैलिडेशन की जरूरत हमें होनी चाहिए? वीडियो गेम खेलती हैं आप? खेलती थी। लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जी, मैंने उस दिन जो किया बैठ के वहां फिल्मफेयर अवार्ड्स में 15 फरवरी को, सिर्फ मैंने एक लेवल अपने आप को ऊपर कर लिया। और वो लेवल सिर्फ इतना था, वो किसी के लिए नहीं था। पहली बात तो ये मैं दिल से कह रहा हूँ, बॉटम ऑफ माय हार्ट, कि मुझे कोई शिकायत एक पैसे की फिल्म फेयर से नहीं है। जो सच है वो यही है, ना आपको कहीं मेरा स्टेटमेंट मिला होगा इस बारे में। मुझे शिकायत जो थी वो सिर्फ एक जरा सी बात से थी कि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ के शायरी की, पोइट्री की, कविता की परंपरा बहुत बढ़िया है, बहुत गहरी है। उस दिन भी 5 गाने नॉमिनेट थे, उनमें बेख्याली भी था, उनमें कलंक का टाइटल सॉन्ग भी था। ये सब गाने हैं। गाने की शर्त क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की कि बाइक का काम होता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना। इंसान लगता है कि हाँ ठीक है, 2 हाथ हैं 2 पांव हैं और अपनी स्पाइन पे खड़ा हुआ, ये इंसान है। कुछ बेसिक्स होते हैं ना। गाने का बेसिक क्या है? गाने का बेसिक है कि उसमें पोइट्री होनी चाहिए, राग होनी चाहिए, उसका एक मीटर होना चाहिए, उसकी एक धुन होनी चाहिए, उसकी एक ट्यून होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो वो और कुछ हो सकता है, गाना नहीं हो सकता।
अब आप मुझे बताएं कि रैप में इनमें से क्या होता है? रैप कंपोज किया जाता है, रैप कंपोज नहीं किया जाता, रैप इज जस्ट रिदम। तू नंगा ही तो आया था क्या, ये रिदम है, ये कंपोजिशन नहीं है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, पूरी दुनिया में रैप बहुत पॉपुलर है, मैं खुद कभी कभी सुनता हूँ, मेरा बेटा बहुत सुनता है, मैं पूरे इंटरनेशनल रैप सुनता हूँ। इसके लिए एक अलग कैटेगरी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नंगा और घंटा को मजरू सुल्तानपुरी के गाने के बगल ला के खड़ा कर दोगे, ये नहीं हो सकता, ये मैं स्वीकार नहीं। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जो भाषा की शर्तें क्या होती हैं, एक सभ्य भाषा की शर्तें होती हैं, एक है संप्रेषणीयता, उसकी सरलता, उसकी सहजता, एक और बहुत बड़ी शर्त है शालीनता। गाली गलौज भाषा नहीं है। और आपको अगर आज थोड़ी देर के लिए बड़ा मजा आता है ये सब सुन के, या आपको बड़ा अच्छा लगता है, कहीं आपको टिकल करती हैं चीजें, आप यकीन मानिए बहुत जल्दी आप इनसे उब जाएंगे। रहता क्या है, रह जाता है जिन गानों की मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, कितने गानों की हमने बात की, ये रह जाएगा। तो कम से कम आप शाश्वत में तो विश्वास रखें कि जो आप बनाएं, जो आप क्रिएट करें, वो शाश्वत हो, वो कुछ दिन रह जाए। ऐसा क्या कि आज आया और गया। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हो गया तकरीबन मेरे ख्याल से 2 साल दोनों फिल्मों को हो गए, आप में से कितने लोग तेरा टाइम आएगा गा रहे हैं, कितने लोग तेरी मिट्टी गा रहे हैं? मैं आप हाथ उठा दूँ, तेरा मिट्टी तेरा टाइम आएगा वाले, अपना टाइम आएगा वाले कितने लोग हैं? अब उठा भी दो, अगर कोई गाता है तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, एक हाथ नहीं उठ रहा है। तो सवाल सिर्फ इतना सा था कि आपने डिसऑनर किया, आपने उस गीत को डिसऑनर किया जिसे आज इस देश का सिपाही जनगण मन के बाद गाता है। ये डिसऑनर मैं वो गीत लिखने के नाते, उसका रचनाकार होने के नाते मैं कबूल नहीं करता, मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है। आप मुझे क्या जज करेंगे, मैं आपको छोड़ता हूं हमेशा के लिए, आप जज ही नहीं कर सकते मुझे। और आपने सवाल पूछा है, मैंने कभी इस बारे में खोल के बात नहीं की, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो आप सोचें कि दुनिया में कौन मेरी तरह बेवकूफ होगा जो अपने चढ़ते हुए करियर में, मैं हर साल 9 मिनट हो रहा हूं, हर साल मैं 12 फिल्में कर रहा हूं, 12-13 फिल्में मैंने चढ़ते हुए करियर में छोड़ा। ऐसा नहीं कि मैं हार गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया तो छोड़ दिया, अगली बार जीतता। और कितने अवार्ड उसके बाद कितने, जी सिने हुआ, आईफा होने वाले, कितने अवार्ड्स हो रहे हैं, हर किसी ने बुलाया, मैं कहीं नहीं गया। तो एक जो मेरी लहक थी मेरे अंदर की, वो मैंने अपने अंदर की लहक सेक्रीफाइस कर दी कि नहीं, अब मैं अच्छा लिखूंगा, बहुत अच्छा लिखूंगा, लेकिन उस वैलिडेशन के लिए मैं किसी के अवार्ड शो में जाके तालियां नहीं बजाऊंगा। मेरा वैलिडेशन आप लोग हैं, आपको पसंद आए बैठा हूँ। एक और बात प्रतीक्षा, मेरी बहन बैठी हुई है यहाँ रिम्पी, आप मेरे घर आके कभी देखें, मेरे घर पर बर्तन से ज़्यादा अवार्ड है, इतने जीते हैं मैंने, मैं लूजर नहीं हूँ। अगर किसी को कभी लगे ना कि ही इज अ सोर लूजर, आई एम नॉट अ सोर लूजर, मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वाभिमान है, और उस स्वाभिमान के नाते ये सही था कि ये चीज अब छोड़ दी जाए हमेशा के लिए, और मैंने छोड़ दिया, और मैं बहुत खुश हूँ। आप यकीन मानिए मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गाने नहीं लिख रहा, मैं गाने शायद इस साल में, पता नहीं, अब अपनी तारीफ कर लूँ मैं, आप लोगों ने ऑफिशियली देखा होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किया जाने वाला लिरिसिस्ट हूँ मैं, पूरे साल में मुझसे ज़्यादा गाने किसी के स्ट्रीम नहीं हुए। एक ट्रॉफी छोड़ के क्या मिला, 135 करोड़ ट्रॉफियां। इस देश का बच्चा बच्चा इस बात के लिए मेरी, मुझे शाबाशी देता है, मेरी तारीफ करता है कि हां मैंने सही वक्त पर सही कदम उठाया। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। मुझे लगता है हमें इनके पास माइक दे, सवाल लेने चाहिए, लेकिन उसके पहले मैं एक अपना लास्ट सवाल जरूर, प्लीज पूछिए आप प्रतीक्षा। ये किताब हमारे पास है बस एक आखिरी सवाल, पर एक बात आप माने प्रतीक्षा, वाकई नए सवाल पूछे, क्योंकि आमतौर पे होता है जब भी हम किसी इवेंट में जाते हैं तो सवाल मुझे कभी कभी लगता है कि मैं प्रियम कर दूं, मैं बता दूंगा अगला क्या पूछने वाली है। मैं प्रतीक्षा के सवाल प्रियम नहीं कर पाया, प्रतीक्षा ने वाकई सारे सवाल वो पूछे जो पूछने लायक। और आप अभी माइक मांग रहे हैं लेकिन जवाब आपने भी एंजॉय किए हैं। करेक्ट। बस एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा, इसका जवाब भी होगा। ये किताब मेरे हाथ में है और आपके गीत हैं जी, आपको ज्यादा कौन सा प्रिय है? ये किताब, किताब से मेरा मतलब वो आपकी लिखी हुई वो चीजें जो लिरिक में नहीं है, जो फिल्मों में नहीं है, और ये जो आपकी पोएट्री, जो खालिस पोएट्री है, जो गीत नहीं बनी। अब एक अच्छा बच्चा ये बोलेगा, जो बहुत गुड बॉय होगा, वो ये बोलेगा कि नहीं, हम मुझे तो ये बहुत पसंद है, मुझे अपने फिल्मी गीत बहुत पसंद है। क्योंकि इसका एक रीज़न है, जब मैं ये लिख रहा था तो मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर रहा था कि
कि भाई आप ये लिखोगे, सिचुएशन ये है, आपका हीरो ये है, आपकी हीरोइन ये है, ट्यून ये है और कैरेक्टर की जो भाषा है ये है, कोई बंदिश नहीं थी। जो मेरे मन में आया मैंने लिखा खुल के, वहां मेरे ऊपर 100 तरह के बंधन होते हैं। जब एक कमरे में आप अपने लिरिक्स लेके पहुंचते हैं और आप देखते हैं कि म्यूजिक कंपनी के मालिक से लेके फिल्म का हीरो, फिल्म की हीरोइन, फिल्म के हीरो का ड्राइवर, फिल्म की हीरोइन की ब्यूटीशियन, ये सब बैठ के कहते हैं हाँ मजा नहीं आया, अरे बहुत अच्छा है, अरे ठीक है। इतने लोगों को जब आप एक साथ खुश करते हो तब जाके आपका एक गाना अप्रूव होता है। वो फरहाद की तरह वो पहाड़ चीरी के दूध की नदियां बहाने वाला काम है। अगर वहां भी मैं शायरी को जिंदा रख पाया हूं और वहां भी अगर मैं तेरी मिट्टी लिख पाया हूं, तेरी गलियां लिख पाया हूं, तेरे संग गहरा लिख पाया हूं और भी कुछ ढंग के गाने दो चार लिख पाया हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए इसके लिए। एंड आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ। शाबाशी आपको तालियों के रूप में मिल रही है।